आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास टेंथ में हैं अभी तुरंत इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे 15 दिन के बाद देखते हो या फिर एक महीने बाद देखते हो तो फिर आपके लिए फायदा नहीं हो जाता है। अभी अगर देखते हो तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। इतना जल्दी अगर इसको देखोगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडल पेपर जारी हुआ है तो ये मॉडल पेपर आखिर जारी क्यों हुआ है। बहुत सारे झारखंड के स्टूडेंट के दिमाग में ये डाला गया है यूट्यूब के द्वारा कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पिछले साल के पढ़ेंगे या फिर पिछले के पिछले साल से पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 2022 के तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये सच्चाई है। ये बहुत बड़ा सच्चाई कि 2022 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते ही नहीं है, बहुत कम चांस है। 2022 से पीछे जितने भी 10 साल के क्वेश्चन, एक दो साल के नहीं, तकरीबन 10 साल के क्वेश्चन आप अगर रिवीजन करते हो तो उसके क्वेश्चन आएंगे। तो मॉडल पेपर क्यों जारी होता है? वो पैटर्न समझने के लिए जारी होता है। क्लास टेंथ के लिए मैथ सब्जेक्ट से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, जिसे अगर पढ़ लेते हैं स्टूडेंट तो उसके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद मुझसे रابطہ होइएगा, उसके बाद पूछिएगा कि आपने सही बोला या गलत बोला। तो पहले यहाँ पर देखिए हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेहनत कर लेते हो सही डायरेक्शन में, सही रास्ते में, अंधाधुंध गोली नहीं चलाना है, सही रास्ते में आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत कर लेते हो तो 100% आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो पहला क्वेश्चन आपको क्या नज़र आ रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन को अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण से है। आप सभी को पता होगा, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा मॉडल पेपर। द्विघात समीकरण में ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं? कि विभेदकर ज्ञात कीजिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी ज्ञात कीजिए, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac होता है। फिर उसकी प्रकृति इसी के द्वारा ज्ञात की जाती है, उसके बाद फिर मूल ज्ञात किए जाते हैं। आप गुणनखंड के द्वारा ज्ञात कर सकते हो या फिर द्विघाती सूत्र भी होता है x = ठीक है, उससे ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका नजर आ रहा है क्वेश्चन, ये हर एक साल पूछा गया है और 100% 2023 में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, हूबहू ऐसे ही पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा यहां जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, यहां पर 4 के जगह पर हो सकता है 5x² लिखा रहेगा, √3 के जगह पर हो सकता है कि 3x लिखा रहेगा, बाकी ये सारा सेम टू सेम रहेगा। तो आखिर ये किस चैप्टर से है, मेन चीज ये समझना है। ये चैप्टर आपका द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण में कौन सा पोर्शन? द्विघाती सूत्र, याद रखिएगा, कौन सा? द्विघाती सूत्र द्वारा जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, 5 नंबर आपका 100% पक्का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल 3 चैप्टर बताऊंगा अपने नज़रिए से, जो बहुत आसान होते हैं। लोग अपने नज़रिए से भी छांट सकते हो कि नहीं ये चैप्टर मेरे लिए आसान है, मैं इसी को टारगेट करूंगा। तो मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ, आपको ये चैप्टर सबसे पहले छांट लेना है, द्विघाती सूत्र, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे। और हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक है जिसके द्वारा आप लोग कवर करोगे 100%, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, ये जो चैप्टर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है आपका? सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी चैप्टर आपका 14 है। सांख्यिकी में यानी माध्य पूछा जाएगा, या फिर माध्यक निकालने के लिए पूछा जाएगा, या फिर बहुलक निकालने के लिए पूछा जाएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तीनों किस चैप्टर के हैं? तो 14 चैप्टर के हैं। 14 चैप्टर को पूरा टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके माध्य वाले क्वेश्चन, माध्यक वाले क्वेश्चन, बहुलक वाले क्वेश्चन, ये दो चैप्टर हो गए, यानी 10 नंबर आपका आ गया। अच्छे तरीके से तैयारी कर लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है, सिंपल चैप्टर, एकदम सिंपल चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका ये 17 नंबर क्वेश्चन वाला चैप्टर, ठीक है। आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, दो चैप्टर और है, एक यहाँ पर देखिए ये 16 वाला और यहाँ पर 18 वाला, आप इनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपल अगर बताएं तो ये 17 वाला है। क्यों? 17 वाला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, यानी इस तरीके से बोल देगा कि एक खंभा है और खंभे की ऊँचाई दी गई है और इस पर एक बोल देगा कि इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और यहाँ पर बोल देगा कि इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए अगर इसके शिखर के पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप इस चैप्टर को अगर टारगेट करोगे तो बता रहे 3 नंबर इसके चित्र में ही मिल जाते हैं, 2 ढाई नंबर इसके चित्र में ही मिल जाते हैं, 2 ढाई नंबर आपको बस सिंपल से सॉल्व करने के मिल जाते हैं। तो इसका मतलब आपको पता चला कि केवल 3 चैप्टर को पढ़ने से ही 15 नंबर मिल जाएंगे सेक्शन सी में। अब आते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी में क्या करना है? टोटल 5 क्वेश्चन को चूज करना है। अब इनमें से 5 क्वेश्चन किस किस चैप्टर के आसान चैप्टर वाले क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डीपली बता रहा हूँ।
पहला जो सिंपल जो क्वेश्चन आने वाला है ये है आपका, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है और q जहां एक पूर्णांक है। मैं ये आपको सिंपल क्यों बता रहा हूँ, पहली बात कि इसको दर्शाने के लिए कई तरीके से दर्शाया जा सकता है, कभी स्टूडेंट का गलती नहीं होता है, कई शिक्षक इसको कई तरीके से बताते हैं जो कभी गलती नहीं होता है स्टूडेंट से और ना ही टीचर कभी भी इसमें नंबर काटते हैं। अब जैसे तैसे लिख कर भी बस थोड़ा सा समझे हो तो एकदम आराम से इसमें नंबर मिल जाएगा। और इसमें गिने चुने क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर से है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से। एक्सरसाइज कौन सा है, ये पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, तो आप वहाँ से गिने चुने उदाहरण के भी क्वेश्चन और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन दोनों को आप कवर कर लीजिए, 100% उसी से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, समीकरण वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये आप नज़र आ रहा है ना, ये समीकरण युग्म, इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ये बहुत सिंपल है, करना क्या है वो आपको पता है, आप पढ़े होंगे ग्राफीय विधि कैसे हल किया जाता है। तो ग्राफीय विधि का ये चैप्टर कौन सा है, तो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर में आप लोग 3-4 विधि पढ़े होंगे, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि गिने चुने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए, 100% आपका 3 नंबर कवर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर 12, ठीक है, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर है ना ये सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा इससे भी 3 नंबर आएगा। बाकी जो चैप्टर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे चैप्टर से आसान चैप्टर है, मैं वही चैप्टर आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ फोकस कीजिएगा और इसी तरह तैयारी कीजिएगा, आपको मैथ में 100 में 100 मार्क्स जरूर आएंगे, इसकी गारंटी है। मैं खुद 95 लाया हूँ तो मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे मैथ में 95 ऐसे नहीं आए हैं। ये चैप्टर 12 से जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर एक घड़ी वाला क्वेश्चन है कि घड़ी की एक सुई है जो 5 मिनट में, अगर यहाँ मान के चले घड़ी की मिनट की सुई है वो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो इसके द्वारा रचित जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और भी क्वेश्चन वहाँ पर है चैप्टर 12 में कि एक घोड़ा है जो एक जगह में बांधा हुआ है खुट्टे में, ठीक है, ये घोड़ा अगर मान के चलिए इतना एरिया में अगर घास चरता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्रफल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, इसको नोट डाउन करते जाना कॉपी में, पहला चैप्टर मैंने क्या क्या बताया 3 नंबर में, चैप्टर 1, दूसरा क्या बताया चैप्टर 3 ग्राफीय वाले क्वेश्चन, तीसरा क्या बताया आपको चैप्टर 12, ठीक है, क्षेत्रफल से संबंधित, जो भी वृत्त से क्षेत्रफल से संबंधित है। अब नेक्स्ट कौन से चैप्टर को टारगेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसका फॉर्मूला लंबा है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है याद करने का, ठीक है, शीर्ष के द्वारा जो क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है ना, जैसे 3 शीर्ष दिए रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 निर्देशांक दिए हैं, 1, 2, 3, तो एक x1 है, एक x2 है, x3 है, एक y1 है, एक y2 है, एक y3 है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, लंबा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन याद करने होंगे और 2 क्वेश्चन में 3 नंबर कंप्लीट। ये कौन सा चैप्टर से है, तो चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला कवर कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर दूसरा, इन दोनों को अगर कंप्लीट कर लेते हो 100% आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। टोटल मैंने आपको 4 चैप्टर बताए, अब एक चैप्टर आपको चूज करना है, एक चैप्टर चूज करना है तो वो आपके माइंड में है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका रचना से है, अब रचना वाले 2 ही एक्सरसाइज है, 11 चैप्टर जो आपको नजर आ रहा होगा वो रचना से है, तो 11 जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लीजिए तो 3 नंबर वहां से मिल जाएंगे। और अगर आपको रचना नहीं समझ में आता है, मैं तो कहता हूँ रचना ही समझिए क्योंकि सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, अगर रचना फिर भी टफ लग रहा है तो आप एपी वाले चैप्टर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मेरे नजरिए से, मेरे सजेशन से, अगर यहां पर टोटल 5 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, पहला चैप्टर कौन सा है, तो पहला चैप्टर जो आपको नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 1, दूसरा चैप्टर वो ग्राफीय वाला यानी चैप्टर 3, तीसरा चैप्टर त्रिभुजों से क्षेत्रफल आपका जो नजर आ रहा है 7.3 एक्सरसाइज, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, या फिर अगर आते हैं नेक्स्ट तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो रचना वाला, ठीक है, ये टोटल 5 है जिन्हें पढ़कर आप 3 नंबर के क्वेश्चन आसानी से ला सकते हो। ये जो त्रिकोणमिति है ये टफ है, ये नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन ए में, अब आते हैं सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में ध्यान से देखिए कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। डीपली अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए पहले पर क्या नजर आ रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 है, क्रमशः 1 है, बहुत सिंपल है आप, ये दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है, तो ये चैप्टर आसानी से 2 नंबर वाले हैं मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है जो 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे वह आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पढ़ना है 7.1 एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर 7 चैप्टर, ठीक है, 7 चैप्टर को आप पूरे कंप्लीट करोगे ना तो बता रहे 1 नंबर 2 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव में, और दूसरी बात आपके 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन आएंगे, 7.1 पढ़ोगे तो 2 नंबर और 7.3 पढ़ोगे तो 3 नंबर, इससे अच्छा कि आप पूरे एक्सरसाइज पढ़ लो 7.1 7.2 7.3 सभी क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। अब दूसरा जो आसान जो चैप्टर है वो आपका 5 नंबर,
एकदम सिंपल है, बस मान रखना है, ठीक है। जैसे टेन 45 डिग्री का मान रखना है, साइन 30 डिग्री का मान रखना है, कोस 60 डिग्री का मान रखना है, और उसके बाद यहाँ पर इसको हल कर देना है। तो ये किस एक्सरसाइज से या किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का परिचय ट्रिगोनमेट्री से ये आपका है, तो ट्रिगोनमेट्री को फोकस कीजिए। आगे अगर देखिए तो नेक्स्ट चैप्टर सिंपल चैप्टर कौन है, तो ये है प्रायिकता, एकदम सिंपल। इस चैप्टर को टारगेट कीजिए, 100% आपको इससे दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4 चैप्टर हो गए। अब एक और चैप्टर चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या आपका, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, अगर आप चाहोगे तो ये वृत्त से संबंधित चैप्टर से आपका, तो आप इस चैप्टर को भी टारगेट कर सकते हो। या फिर आप त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण हो तथा AB बराबर BC, तो ये त्रिभुज वाले चैप्टर से जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल, उससे भी टारगेट कर सकते हो। तो मैं कहता हूं ये चैप्टर को मत करो, कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आते एग्जाम में। तो क्या करना है, एक ये चैप्टर, एक ये चैप्टर, एक ये चैप्टर और एक ये दोनों चैप्टर, इसी को कवर करना है, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला चैप्टर को छोड़ देना है। तो इस तरीके से मैथ में आपको टारगेट करने हैं जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजूल चैप्टर को पढ़ने से, टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं होगा, समय कम है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।